नहीं हटेंगे, कर लो जो करना है। तिवारी, हम तुम्हें सीधी तरह समझा रहे हैं, चुपचाप अपनी जो बोरिया बिस्तर से हटा लो। कसम से कह रहे हैं, पिछवाड़े इतने डंडा पेलेंगे तुम्हारे कि तुम आंदोलन को सारे नाम सुनोगे ना, तुम्हारे गुर्दा कांप जाएंगे। भैया ये आपको सिर्फ गीदड़ भक्कियाँ दे रहे हैं, आप बिल्कुल भी डरिए मत, अड़ जाइए आप लौंडे के लीडर हैं, ठीक है। ये गीदड़ भक्कियों से डरने वाले नहीं है हम, हमें पता है आपने बिल्डर से नछावर खाई है। तुम ससुर तिवारी भरे सबके सामने हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे, तुम्हारी ससुर तिवारी इतनी हिम्मत हो गई? अरे तिवारी, तिवारी तुम्हारी ससुर, तुमने हमें मुंह में मार सारे की यही मुंह से आंदोलन कर रहे हो। ये आंदोलन घेर जा सकते हैं तो हम सारे को कुचल देंगे मुंह। दरगा जी प्लीज मुझे मारिए। वो कच्चे बनियान को क्यों मार रहे हैं? मुझे मारिए। तुम ससुर, हम मन तो कर रहे हो तुम्हें मार मार के तुम्हें मुंह में भूसा भर दे, लेकिन हम वकीलों पे हाथ नहीं उठा सकते ससुर। I don't like it. तुम मरो जाके वहाँ, पेलो ही के पेलो तुम। ले आंदोलन, ले आंदोलन सारे। ये क्या हो रहा है? अप्पू सिंह जी क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं अप्पू सिंह जी आप? देखो गोरी मैम, जिस ससुर तिवारी के आंदोलन के चक्कर में पूरा रोड जाम होगा हुआ है ससुर। अप्पू सिंह जी आपको पता भी है उस बिल्डर ने इन सबके साथ ना इंसाफी की है। अरे कैसी बातें कर रही हैं गोरी मैम, काहे की ना इंसाफी? जे ससुर लंदन को घर पर बिल्डर की जमीन पे है तो बुका करे। अच्छा अब समझ में आया, आपने बिल्डर से न्योछावर खाई है ना, है ना? जो गोरी मैम का बात कर रही हैं आप सबके सामने, हमने नहीं खाई न्योछावर। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं, आप बिल्डर का साथ दे रहे हैं, जिनके साथ ना इंसाफी हुई है उनका साथ नहीं दे रहे हैं। और याद रखिए, सच्चाई की जीत होगी। ठीक है, नमस्ते गोरी मैम, हम जा रहे। छोड़ दो मरण दो ससुर, चलो। तिवारी, गोरी मैम के कहने पे जा रहे ससुर, ज्यादा लग गई हो तो माफ करियो, चलो रे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है तिवारी, चले गए ना सर, अब क्यों बोल रहे हैं आप? थोड़ी बात तड़ाई हो गई भाभी जी, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आंदोलन में आप लीडर हैं, ऐसा तो होता ही आम बात है, आपके साथ कोई नई बात नहीं हुई है। जाइए अंगूरी जी के पास जाइए, सिकाई विकाई कराइए, हुलिया ठीक कीजिए, कल फिर आंदोलन करना पड़ सकता है आपको, आप ही लीड करेंगे। गोरी मैम घर में है का? नमस्ते गोरी मैम। क्या लेने आए आप अप्पू सिंह जी आप यहाँ पे? अरे गोरी मैम, इतनों काय भड़क रही हो, हम आए हैं तो तना पूरी बात सुन ले। हाँ तो सुनाइए ना। भाभी अंगूरी, ऐसा है कि बा बिल्डर से हम बढ़िया मिले, हमने सारे को बढ़िया समझाओ, तो हमने कहा यार ये मासूम लौंडा है तो कहाँ जाएंगे, बेघर कर रहे हो तुम इनके साथ गलत कर रहे हो बस। गोरी मैम हम इतनों कहनो तू सोचो कि वो बिल्डर फपक फपक कर रोन लगो सोचो। बोलो दरोगा जी ठीक कह रहे, इन लौंडन के घर वापस कर दो। That's great. चलती बस में चढ़ रहे हैं, गेम बजाए गुलफाम कलीन है और क्रेडिट आप खा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आप, बहुत बड़ी चिरांद हैं आप। चलो रे लौंडो, बढ़िया अपने अपने घर में चलो, हमने सब सेट कर दो, चलो। ना दरोगा जी, वहां से जाके कह दो कि घर को ना हमारे घर को धर कर रखा है अपने पास है? हम तो है ना यहाँ पे ही रहेंगे भाभी जी के पास। हमको तो मतलब ये माहौल है ना बहुत अच्छा लग रहा है, हम ढल गए इस माहौल में। और मेरा भी दिल ना करिए कहीं जाने को, मैं तो यहीं रहूंगा भाभी जी के साथ।
यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ। यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर भाभी जी मीठी नींद सो रही होंगी। काश भाभी जी के दर्शन हो जाते तो जीवन सफल हो जाता। अबे तिवारी तेरा तो कल्याण हो गया। भाभी जी ने तेरे मन की बात सुन ली, साक्षात दर्शन देने के लिए उपस्थित हो गई। हेलो भाभी जी। भाभी जी ने जवाब नहीं दिया यार। हेलो भाभी जी। भाभी जी कर गई। ये क्या हो रहा है बे? भाभी जी हमें मनमोहन तिवारी। जी क्या कर रहे हैं आप इतनी रात को मेरे बेडरूम में? नींद खराब कर दी आपने। आपके बेडरूम में? माफ कीजिएगा भाभी जी, आपका बेडरूम नहीं है, ये हमारा हॉल है। हॉल? मैं आपके घर कैसे आ गई? भाभी जी आप लगता है नींद में चलती हुई हमारे यहाँ आ गई। वो तो शुक्र है टहलने के बहाने हम बाहर निकले और हमने अपना दरवाजा खोल दिया। अगर हम दरवाजा ना खोलते तो आप न जाने किस मुस्टंडे के घर में घुस जाती और उसका मखत की तो बांछे खिल जाती। प्लीज बस 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 करिए और मत डराइए मुझे। कब से है ये बीमारी भाभी जी? एक्चुअली मुझे शादी के पहले ये बीमारी थी, फिर मैंने डॉक्टर से इलाज कराया और फिर सब कुछ ठीक हो गया था। पता नहीं ये बीमारी फिर से कैसे शुरू हो गई। ओहो, आप चिंता मत कीजिए भाभी जी, कल से हम रोज आपके दरवाजे पर आकर बैठेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। तिवारी जी इसका मतलब ये है कि मैं इलाज ना कराऊं? नहीं नहीं इलाज कराइए, बिल्कुल कराइए, कल ही हम डॉक्टर को तलब कर देंगे। अच्छा तिवारी जी आप विभू से कुछ मत कहिएगा क्योंकि वो खामखा चिंता करेगा। नहीं बिल्कुल नहीं बताएंगे भाभी जी, आप चिंता ना कीजिए। सॉरी हाँ। अच्छा गुड नाइट। गुड नाइट भाभी जी, आइए आराम से इधर से आइए जी, आइए भाभी जी, आराम से जाइएगा भाभी जी। हाँ भाभी जी आप बिल्कुल टेंशन ना लें, इस बीमारी का मेरे पास एक अचूक इलाज है। अच्छा तो बताइए ना यार क्या इलाज है। आप रात को एक पैक विस्की, एक पैक रम और 3-4 टकीला मार लिया कीजिए।